बहुत ही यूनिक है। वहां पे ऑलरेडी एक ह्यूज सेक्टर मॉस बना दी गई है, वहां पे दो कमर्शियल प्लाजे बना चुके हैं हम लोग। ये बेसिक सहूलतें होती हैं जो कि फिर किसी भी रेजिडेंट को चाहिए होती हैं, जो कि ख्वाब है आप लोगों का, वो ख्वाब हम यहाँ पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाते, हम ताबीर देने वालों में से हैं। सो ताज रेजिडेंसी इज अ फुली अर्बन प्लान कम्युनिटी व्हिच इज ऑन ग्राउंड, बिकॉज आई बिलीव सीइंग इज बिलीविंग। जो जो आप देखेंगे वो ऑन ग्राउंड है, जो हम कह रहे हैं वो ऑन ग्राउंड है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप जाए और जाके अपने जो आपका ख्वाब था एक घर का, जो आपकी जनरेशन के लिए होगा, वो आप जाके वहाँ पे आबाद कर सकते हैं और रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद के सेक्टर I-14 के बिलमुकाबले सेंटोरस से सिर्फ 20 मिनट और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर वसी खताए अराजी, जदीद तर्ज तामीर और दौरे हाजिर की तमाम सहूलियात और आसाइशों से आरास्ता बेहतरीन रिहायशी मेरा नाम जनरल तौफीक रफीक है। ट्रेडिंग कॉमर्स को मैंने भरपूर तरीके से किया, अपनी कोशिश में पूरी, अपनी कावशें जितनी हो सकती थी एक साल में, हमने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जिसको ना प्रेजेंट किया। और प्रॉपर्टी और पॉलिसी की बात करें तो मैं बेहद खुशी से आपको बताता हूँ कि पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में हमने 50% टूरिज्म ड्यूटीज़ को रिलैक्स करवाया गवर्नमेंट पाकिस्तान से। और इसकी तरह कई और चीज़ें हमने की, हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए मैंगो फेस्टिवल करवाया, ऑटोमोटिव को प्रमोट करने के लिए ऑटोमोटिव फेस्टिवल करवाया। और क्योंकि जो हमारा अपने सेगमेंट है रियल स्टेट का, पाकिस्तान का इस रीजन का सबसे लार्जेस्ट प्रॉपर्टी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्सपो हमने किया था हाल ही कोई 2 महीने पहले, जिसमें जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने लाया दुनिया के सामने, तकरीबन 250 बिलियन के प्रोजेक्ट हमने नुमाया किए वहाँ पे डिस्प्ले किए। साथ ही तकरीबन 10 लाख घरों का वादा भी किया प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो नया पाकिस्तान के इनिशिएटिव बन रहे हैं उसमें हम कम अज़ कम 10 लाख घर तो उनको दे सकते हैं। इसमें जो अभी डिमांड है आपके सामने पाकिस्तान में आबादी की, जो 220 मिलियन आबादी की बात करते हैं, तकरीबन 12 मिलियन हाउसेज की रिक्वायरमेंट आज है। तो ताज हमेशा जैसे अगर 5-6 प्रोजेक्ट और फॉरन बनना शुरू हो जाए तो फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट है होगी पूरी नहीं होगी पाकिस्तान में। तो दिस इज द राइट इंडस्ट्री टू बी इन, द राइट सेगमेंट टू बी इन। मैं बेहद मशहूर हूँ आप सब कि आप सब टाइम निकाल के यहाँ पे आए। मैं माजरत भी चाहता हूँ कि मैं नहीं आ सका वहाँ पर, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह मेरी वापसी पे इस तरह की गैदरिंग हम दोबारा करेंगे और 1-to-1 आपके साथ इंटरेक्शन होगी। ताज एजेंसी अपनी नोए तो बहुत मुख्तलिफ और नया प्रोजेक्ट है। देखिए हाउसिंग सोसाइटीज तो बहुत सही है, लोग लॉन्च भी करते हैं, कई कॉलोनीज लोग लॉन्च करते हैं, लेकिन ये अर्बन प्लान कम्युनिटी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डिजाइन की गई है। हमारे जो मॉडल विलेज आप जाके देखेंगे, जो 1 मरला है, 14 मरला है, 10 मरला, इसकी स्पेस प्लानिंग देख लें, इनके इंटीरियर्स देख लें, जो फिटिंग्स फिक्चर्स है वो आप देख लें, इनकी क्वालिटी देख लें। जब से 2-3 साल हो गए कि बने हुए अभी तक इनमें कोई क्रैक्स नहीं है। स्ट्रक्चर बहुत मैटर करते हैं और ये जो स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी की बात करते हैं, सेंटोर से अच्छी मिसाल हो सकती है। इतना कम्प्लेक्स वाइड प्रोजेक्ट अपनी नेचर का, जो मिक्स यूज प्रोजेक्ट है इस मुल्क में आज तक ऐसा मिक्स यूज प्रोजेक्ट नहीं बना, वो अगर कंसीव डिजाइन और बिल्ड हम कर सकते हैं तो ताज एजेंसी भी बन जाएगा इंशाल्लाह। पर आपके सामने बन चुका है, अगर आप देखेंगे जो आपके सामने बन चुका है, अगर आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डाल चुके हैं, अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबलिंग, इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग, जो आपकी मेन बुलवार्ड है 150 फीट विथ है इसकी, आप ओवरऑल देखिए जो एमेनिटीज हम यहाँ जो टेनेंट्स को जो रेजिडेंट्स को दे रहे हैं, ये वाई सोसाइटी इस रीजन में जहाँ पे सोसाइटी लॉन्च होने से पहले हमने लोगों को यहाँ पे आबाद कर दिया था। तो ये कॉन्फिडेंस था लोगों में सर। अभी भी आप देखेंगे कुछ पिछले 3 महीने में हमारी टीम ने 200 लोगों को पोजेशन दिया, जो लोग अपने घर बनाएंगे। हर तरह के लोग हमारे पास आके ले रहे हैं, हर सेगमेंट के लोग, यहाँ पे प्रोफेसर भी हैं, लॉयर्स भी हैं आपके पास, यहाँ पे ये सब का स्टाफ भी है, एयरपोर्ट का स्टाफ है, क्योंकि एयरपोर्ट से बहुत भेजेंगे। इस सोसाइटी के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर, ये शहर सिटी के अंदर सिटी कौन सा है, यहाँ पे हम थीम पार्क भी दे रहे हैं, हम शॉपिंग मॉल भी दे रहे हैं, यहाँ पे सेंटोरस मॉल 2 के नाम से हम कर रहे हैं, स्कूल्स भी होंगे, हॉस्पिटल्स भी होंगे, यहाँ सारी एलाइड फैसिलिटीज आपके लिए मौजूद होंगी, ताकि कोई भी रिहायशी यहाँ पर रहे।